आज हम बनाने जा रहे हैं मजे के धमाकेदार समोसे। चटपटा भी होंगे, क्रिस्पी भी होंगे, सब कुछ होंगे, बड़े मजे के समोसे होंगे। चलिए हम इजी से समोसे बनाते हैं। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 2 कप मैदा, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून जीरा और 1/3 कप देसी घी। आप कोई भी घी यूज कर सकते हैं, मैं देसी घी यूज कर रहा हूँ, और 1 ग्लास पानी। चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें डालेंगे सॉल्ट, जीरा और हम डालेंगे घी, और हम इनको अच्छी तरह स्पैचुला से पहले मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे क्रम्बल करेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। हमने थोड़ा थोड़ा पानी लगाना है, ज्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं लगाना वरना ये नरम हो जाएगा। हमने इसे हार्ड रखना है ताकि इसकी पॉकेट्स आसानी से बन जाए और ताकि खस्ता भी हो। हमारी डो हो गई है रेडी। अब हमने अपने पेड़े को इस तरह लंबा सा रोल बना लेना है, इवन सब साइड से, ताकि हमारे बराबर के समोसे और पेड़े बने। अब ये ऐसे हो गया। अब हम इसको नाइफ की मदद से ऐसे काट देंगे, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब हम इनके बना लेंगे पेड़े। ये पेड़े हमने बना लिए और अब हमने सबसे पहले इसे ऐसे करना है और हमने इनको किनारों से अच्छी तरह बारीक कर लेना है। और अब हम इसको भी करेंगे। सबसे पहले हम इसे ऐसे प्रेस करेंगे, फिर हम इसके किनारों को प्रेस करेंगे। अब हमने अपने वर्कटॉप के ऊपर थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल किया है और इनमें से एक टिक्का उठा लेना और इधर, और हमने इसको अच्छी तरह इसके साथ ऐसे मल लेना। अब खुशका हमने सारा लगा लिया। अब हम इसे लंबाई में ऐसे बेल लेंगे। ये देखें, ऐसे वर्टिकली ऐसे सीधा लाइन के साथ जितना भी एक्सपेंड हो सकता है आप करें। अब हमने दूसरी साइड लेनी है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया और हमने फिर से रोलर चलाते रहना। सो गाइस, अब हमारी समोसे पट्टी रेडी हो गई है और देखिए कितनी थिन है। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है और काफी ज्यादा ये पट्टियां बनी है, और ये देखिए ये भी सॉफ्ट भी बड़ी है ये। सो गाइस, अब हम इसे सेंटर में से ऐसा निशान लगाएंगे, इधर से ऐसे हॉरिजॉन्टली, और हम सारी पट्टियों का इस तरह से हाफ कर लेंगे, एक रोटी से 2 समोसे। और अब आपने ऐसे इसे ऐसे भी हाफ कर लेना। अब बारी आती है हमारी समोसा फिलिंग की। सबसे पहले हमने ये 4 मीडियम बॉइल्ड पोटैटोज हैं, इनको हमने अच्छी तरह बॉईल कर लिया और हमने इनको थोड़े से पीसेस में कट कर लिया। अब हम इनको मैश करेंगे। अब ये पोटैटोस मैश हो गए हैं और इसमें जाएगा चॉप ऑनियन और चिली, ग्रीन चिलीज, ये इसमें जाएगा, धनिया और पुदीना। पुदीना आप लोग जरूर डालें, इससे इसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। अब मसालों के डालने की बारी आती है। मसालों में है 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून रेड चिली और 1/2 टीस्पून सूखा धनिया, और इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून गरम मसाला। अब हम इससे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसके लिए हाथ अच्छी तरह धुले होने चाहिए ताकि ये सेफ और हेल्दी रहे। अब हम एंड में डालेंगे 1/2 टीस्पून चाट मसाला, इससे बहुत खट्टा और मजेदार रहता है। इसको बस ऐसे ऐसे हाथ से मिक्स कर लेना, ज्यादा मैश नहीं करना। मुंह में थोड़े थोड़े आलू के चंक्स आ जाए तो बहुत मजे का लगता है। मुझे फिलिंग करने में बड़ा मजा आ रहा है। हमने ऐसे पकड़ना है और हमने 2 टीस्पून फिलिंग अंदर डाल दी। हमने ज्यादा नहीं डालना। इधर ये जो एजेस हैं, हमने इधर अच्छी तरह इनको प्रेस करना है ताकि ये खुले ना। ये देखें, हमारा प्यारा सा समोसा रेडी हो गया। मेरा तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है। आई एम श्योर कि आपको भी समोसे बनाने का मजा आ रहा होगा। गाइस, अब हमारे समोसे फ्राई होने के लिए रेडी हैं। चलिए अब हम इनको फ्राई करते हैं। हमने इसे अच्छी तरह ऑयल को पहले से ही गर्म कर लिए। हम इसे मीडियम हीट पे फ्राई करेंगे। ये देखिए कितने प्यारे फ्राई हो रहे हैं।
गाइस ये देखिए किस कितना इसका प्यारा कलर हो गया है, बहुत मजे के समोसे हो गए। हम इनको बाहर निकालेंगे। बहुत अच्छा माशाल्लाह, वो मुझे दो लाख खिलाओ। नाना को देखिए कितना ज्यादा पसंद आया। अब नानू आपको कैसा लगा है? बड़ा मजा, बड़े मजे का है। अच्छा बहुत मजेदार, नानू कह रही है उनको बहुत मजेदार लगा। अब ये मैं खाऊंगा, चलिए मेरा टेस्ट टेस्ट। बिस्मिल्लाह, मुझे को इतना मजे के पोटैटोस के अलग फ्लेवर, रेड चीज के अलग फ्लेवर, और कोरिएंडर और मिंट के अलग फ्लेवर, बिल्कुल बाजार जैसे लग रहे हैं और ये घर में सस्ते बनते हैं। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी और नाना नानू के मार्क्स अच्छे लगे, सो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और आप अपने दोस्तों में जरूर ये शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।